कहां कहां पर होता है। सो वी यूज कैन, कैन का यूज कहां होता था, वी यूज कैन टू से दैट समवन इज एबल टू डू समथिंग और नॉट हाउ टू डू समथिंग, कि मतलब कोई भी क्या हो किसी काम को करने के लिए एबल हो एंड उसको पता है कि उसे कैसे करना है। सो वी यूज कैन एंड कैन का यूज कहां होता था, परमिशन देने के लिए एंड टॉक अबाउट परमिशन और परमिशन के बारे में बात करने के लिए वी यूज कैन। तो सबको क्या समझ में आया कैन नॉट का वर्ब का यूज कहां पर होता है एंड उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट करवाई थी। फर्स्ट में क्या था, कैन यू डू दीज थिंग्स, राइट सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ, कल करवाया था हमने कि कुछ वर्ड्स दिए हुए थे और उनमें हमको आई का यूज करके सेंटेंस पुट अप करने थे। स्विम, सपोज एज ए वर्ड था क्या स्विम, तो इसको अगर मैं अपने में बोलू योर सेल्फ तो आई कैन स्विम। एंड यही करवाया था ना हमने, अगर मैं किसी वर्ब को कर सकती हूँ तो मीन आई से आई कैन स्विम और नॉट सो आई से आई कांट स्विम, आई कांट स्विम। तो कल हमने आई से बनाए थे सेंटेंस एंड बोला था आपको कि अपने सेल्फ से अब जब हम पुट अप करेंगे तो हम उन्हें कैसे बनाएंगे, अब फ्रेंड से या थर्ड पर्सन से पूछे तो उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ही। उनमें सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। अब वर्ड वही सेम है और हम किससे बनाएंगे, ही और शी से। तो सबसे पहले मैं वर्ड नोट करवा रही हूं, क्वेश्चन वही सेम है, एक क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है, नाउ आस्क योर फ्रेंड व्हाट ही और शी कैन डू और कैन नॉट डू। सो वर्ड्स इज सिंग, स्विम, टाइम, राइड ए बाइक, ride a bike, ride a horse, ride a horse, drive a car, play football, play football, प्ले क्रिकेट, एंड मेक टॉस, मेक टोस्ट, मेक टोस्ट, करके सेंटेंस बनाएंगे।
वर्ड सेम है और यूज क्या करना है उनको सब्जेक्ट में, ही और शी, या तो ही या शी। तो फर्स्ट इज सिंग, सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। पैटर्न बताया था कल, किसका पैटर्न भी होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब। जो हमारे पास वर्ब दी हुई है हम उसको यूज करके क्या बनाते हैं, सेंटेंस। अब सब्जेक्ट हमें यूज क्या करना है, ही या शी। सो फर्स्ट वी यूज ही, वर्ब क्या है, सिंग। सो वी फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। हमें यूज करना है कैन, ही कैन। वर्ब इज सिंग, सो ही कैन सिंग, ही कैन सिंग। He can't, sorry, he can't.
ए बाय ही कैन राइड ए बाइक और अगर नहीं सो वी विल मेक ही कान राइड ए बाइक ही कान राइड ए बाइक। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइड ए हॉर्स राइड ए हॉर्स तो हम कैसे बनाएंगे ही कैन का मतलब तो क्या होता है कि वह कर सकता है। ही कैन का मीन्स क्या है हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि वह कर सकता है। क्या कर सकता है राइड ए हॉर्स ड्राइव ए कार राइड ए बाइक सो ही कैन राइड ए हॉर्स ही कैन राइड ए हॉर्स और नहीं कर सकता तो वी यूज ही कान राइड ए हॉर्स ही कान राइड ए हॉर्स। सिक्स वर्ड है प्ले फुटबॉल तो वो फुटबॉल खेल सकता है या नहीं तो शी कैन हम यूज देंगे सब्जेक्ट शी She can. तो फर्स्ट इसका मीनिंग है वह कर सकती है She can. बट क्या कर सकती है She can play football. She can play football. And not अगर नहीं कर सकती तो we use She can. She can. She can't play. She can't play football. She can't play football. आया सबको यहां तक समझ में कि हम कोई भी वर्ब एक्शन अगर एवर है किसी चीज को करने के सो हम क्या बोलेंगे We will tell I can do it. I can everything और नहीं कर सकते तो I can't do it I can't nothing not करो पहले ये सिक्स क्वेश्चन तक सेवन वर्ड है अपने पास प्ले क्रिकेट सो हमको सब्जेक्ट यूज करना है ही और शी सो वी यूज ही। अब ही कैन का मीनिंग क्या है वह कर सकता है तो क्या कर सकता है ही कैन प्ले क्रिकेट वह क्या कर सकता है क्रिकेट खेल सकता है ही कैन प्ले क्रिकेट और अगर नहीं तो ही कांट He can't play cricket. And second last is drive a car. So हम use करेंगे subject she can. वह कर सकती है क्या? She can drive a car. She can drive a car. वो क्या कर सकती है? एक कार को ड्राइव कर सकती है. और not तो we use she can't. She can't drive a car. She can't drive a car. And ninth is make toast.
है कि शी कैन, अब वह कर सकती है, क्या कर सकती है? शी कैन मेक टोस्ट, शी कैन मेक टोस्ट और नॉट, सो वी यूज शी कैन और शी कान, वी यूज शी कान, शी कान मेक टोस्ट, शी कान मेक टोस्ट। सो सबको आया समझ कि हम कैन का यूज कहां कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते। अब हमें यहां करना है यूज, तो हम कैसे यूज करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में ही कैन प्ले क्रिकेट, शी कैन ड्राइव ए कार, शी कैन मेक टोस्ट, तो ये सब चीजें क्या कर सकती है? कर सकती है। इन सब चीजों को करने के लिए ये एवर है, और नॉट अगर नहीं है सो वी यूज शी कान ड्राइव ए कार, ही कान प्ले क्रिकेट, शी कान मेक टोस्ट। नॉट करें आधा, borrow your pen,
last is use your mobile. Use your mobile. Use your mobile. So first तो इन क्वेश्चन को नोट करो बॉक्स तक एंड इसके बाद ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को यूज करना है सेंटेंस बनाने के लिए. नोट करो क्वेश्चन. Can I?